हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। तो यार आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बात करूँ हमारे देश में जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है उसी रफ्तार से ओबेसिटी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब बहुत कॉमन हो गया है। अगर हम बच्चों में देखें, बड़ों में देखें, बुजुर्गों में देखें, हर कोई व्यक्ति परेशान है मोटापे से। तो कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, डाइट अच्छी है, स्टिल हमारा वेट वहीं पे स्टक हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है वो इसी चीज पे है कि कैसे हम बिना डाइटिंग के, बिना वर्कआउट के, यस बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही सुना कि अगर आपको वर्कआउट भी नहीं करना है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, बिजी शेड्यूल है, फिर भी आप वजन कम करना चाहते हैं, अगर आप ये डाइट भी फॉलो कर लेंगे ना, मैं पहले कह रही हूं डाइटिंग नहीं है, सिंपल डाइट भी फॉलो कर लेंगे ना, आप महीने में 10 किलो तक वेट, अप टू 10 केजी वेट आप इजीली रिड्यूस कर सकते हो एंड 101% गारंटेड। तो इससे बेस्ट चीज क्या हो सकती है? तो यार थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। धीरे धीरे उपासना की दुनिया बढ़ रही है। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो या आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो या आपके सजेशन में फर्स्ट टाइम वीडियो आया है और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशनल है, आपको आगे हेल्प करेगा, आप हमारे चैनल में बाकी वीडियोस देख लीजिए, आप हमारे चैनल में बाकी वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको लगता है आपकी कुछ हेल्प हो रही है उनसे और आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशनल लग रही है तो आप मेरे परिवार का हिस्सा जरूर बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, क्योंकि यार आपका एक लाइक होता है बट हमारे लिए अप्रिसिएशन होता है। क्योंकि मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि यहाँ पे आपको वो रेमेडीज देखने को मिलेंगी जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं, जिसे बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सोचो इससे बेस्ट क्या चीज हो सकती है। जो पेशेंट मेरे पास ओपीडी में विजिट करते हैं, जब मैं उन्हें कोई रेमेडी बताती हूँ या कुछ डाइट बताती हूँ, तो वो मैं आप लोगों तक लेके आ रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल, आप लोग कॉपी पेन लिख लीजिए, कुछ कुछ ऑप्शनल रूटीन बताऊंगी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। आप कैसे फॉलो करोगे, या तो हर बार आप वीडियो देखोगे या सिंपल आप अपने मतलब माइंड में फिक्स कर सकते हो चीजों को, अगर आपकी मेमोरी इतनी शार्प है तो अच्छा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको वीडियो चाहिए, हेयर फॉल को लेके है या किसी भी चीज को लेके आप लोग परेशान हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए सो दैट मैं उसको कंसीडर करूँ और नेक्स्ट टाइम आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँ। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारी मॉर्निंग की। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 7 बजे तक ही करना है, आपकी जो भी रूटीन है, आप 9 बजे उठते हैं, आप 8 बजे उठते हैं, 10 बजे, 11 बजे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, 10 बजे की लास्ट लिमिट है इस पे। जब भी आप उठते हैं आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है एप्पल से, एंड एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो आपको डॉक्टर से दूर रहना है, यानी कि मुझसे भी दूर रहना है अगर आप एप्पल लेते हो। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है और आप लोग परेशान हैं, तो आप लोग जो ये नंबर दिया गया है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप तरह तरह के ट्रीटमेंट करवा के थक चुके तब भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेके, मेल फीमेल किसी भी प्रॉब्लम को लेके। मॉर्निंग में लेना है आपको बहुत ही हेल्दी डाइट, दैट इज एप्पल। सबसे पहले खाली पेट आपको खाना है एप्पल। उसके बाद आप उठ के क्या करते हैं, एप्पल वगैरह खा लिया, फ्रेश हो लिए, फ्रेश होने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग नहाते हो, सब चीज नहाने के बाद सबसे पहले आपको लेनी है मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक होने वाली है बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत ही स्पेशल। आपको लेना है 1/2 चम्मच जीरा और 1 स्टिक लेनी है दालचीनी की। उसे आपको 1 गिलास पानी में डाल के बॉइल करना है। बॉइल तब तक करना है जब तक उसका आधा हिस्सा ना रह जाए। सिम आंच पे करना है, एकदम से पानी को इवेपोरेट नहीं होने देना है कि एकदम तेज कर दें, बिल्कुल कम आंच पे करना है और धीरे धीरे करके उसे बॉइल होने देना है। जब वो हाफ रह जाए सब सिप करके आपने चाय की तरह उसे पीना है। बहुत से लोगों को मॉर्निंग में आदत होगी चाय पीने की, आप चाय अवॉइड कर सकते हैं उस टाइम पे, लेकिन आपको इसे फॉलो करना है। सिंपल सी मॉर्निंग ड्रिंक के बाद आपकी बारी आती है ब्रेकफास्ट की। मॉर्निंग ड्रिंक और ब्रेकफास्ट में मिनिमम आपका जो है 30 मिनट्स का गैप होना चाहिए, ताकि वो अंदर सिनेमन जो है, दालचीनी अपना काम कर पाए, जो जीरा है वो अपना काम करे, फैट जो स्टबन फैट है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करे और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे। अब आता है आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, सो आपको किंग की तरह करना है। आपको ब्रेकफास्ट में बहुत सारी ऑप्शन है, यू कैन टेक डोसा, इडली, पोहा, उपमा,
इफ यू लाइक परांठा, अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा हम परांठा नहीं छोड़ सकते हैं तो आप एक परांठा ले सकते हैं कोई भी, लेकिन उस पर घी का इस्तेमाल नहीं करना है, रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं करना है, ड्राई परांठा, चाहे वो आप आलू का ले रहे हैं, गोभी का, मूली का, दाल का, पालक का, जो आपको पसंद है आप मिक्स परांठा ले सकते हैं, बहुत ही हेल्दी। परांठे के साथ आप आधी कटोरी कर्ड लेंगे, कर्ड जिनको पसंद नहीं है वो बटर ले सकते हैं। सोचिए इतनी हेल्दी रूटीन के साथ आपको जो है वेट भी लूज हो रहा है, आपको 10 kg वेट आप मंथ में लूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही सुना है, 10 kg। ब्रेकफास्ट हो गया इडली सांबर डोसा पोहा उपमा, कितना हेल्दी ब्रेकफास्ट है, परांठा चपाती सब्जी, चपाती लेनी आप 2 चपाती ले सकते हैं। द कंडीशन इज कि पूरे महीने जो आपको आटे का इस्तेमाल करना है वो मल्टीग्रेन करना है, चक्की से पिसवा के लाना है, पैकेट वाला इस्तेमाल नहीं करना है और उसमें आटे में गेहूं का इस्तेमाल नहीं करना है, दैट इज द ओनली कंडीशन। बहुत ही सिंपल, जौ बाजरा राई सोया सब चीज मिक्स करनी है बट उसमें आपको आटे का गेहूं का इस्तेमाल नहीं करना है, ये सिंपल सी रेमेडी। इतने हेल्दी ब्रेकफास्ट के बाद जो ब्रेकफास्ट है आपका वो 10 बजे तक होना चाहिए, 10 बजे के बाद आपके पास टाइम लिमिट नहीं है। अब बारी आती है आपकी 11:30, 11:30 के अप्रोक्स आपको 11:30 to 12:30 आपको लेना है कोई भी फ्रूट, एक फ्रूट ले लीजिए, फ्रूट सैलेड ले लीजिए, बनाना भी आप ले सकते हैं, मतलब कोई भी फ्रूट एक्स वाई जेड जो आपको अवेलेबल है आप उसको लीजिए। उसके बाद जो आपका लंच है, जब भी आपका लंच ब्रेक होता है, आप ऑफिस गोइंग है, वर्किंग है, मार्केटिंग में है, 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपको जो है लंच करना है और लंच बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आप कोई भी दाल ले लीजिए, आप कोई भी सब्जी ले लीजिए, उसके साथ आपको चपाती जो है वो 2 ही लेनी है, इतना हर कोई मैनेज कर सकता है। और मैंने आपको बताया कि आपको मल्टीग्रेन आटा यूज करना है जिसमें गेहूं का इस्तेमाल नहीं करना है, और जो ये मल्टीग्रेन आटा है ना ये आपको बहुत देर तक फुल रखेगा आपके स्टमक को, आपको क्रेविंग नहीं होगी बार बार खाने की, मतलब इतना अमेजिंग बेनिफिट है इसका। दाल ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, चपाती, कोई इसमें चॉइस नहीं है, ठीक है, कि आपको यही दाल लेनी है, आपको राजमा नहीं खाना है, आप कुछ भी खाइए जो आपको पसंद है, लेकिन इतनी ही मात्रा में लेना है और इसी टाइम पर आपको लेना है। जब आपका लंच हो जाए, अगर आप लोग बहुत ज्यादा फूडी नहीं है, जो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो ज्यादातर घिया तोरी टिंडे कद्दू कटहल इन चीजों का इस्तेमाल करें, पालक सब्जी में, मतलब इन चीजों का इस्तेमाल करें जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा रिच होता है। अब थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि ये जो डाइट है ये बिल्कुल सात्विक डाइट है, सिंपल डाइट है। अब ये डाइट किस तरह से आपको बेनिफिट करेगी, सबसे पहले तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगी, क्लीनिंग प्रोसेस करेगी, जो स्टबन फैट है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करेगी, बॉडी में वात पित्त कफ को बैलेंस करेगी और आपके बॉडी को टोन करेगी, जो लूज स्किन है उसको टाइट करेगी और बॉडी को टोन करने में हेल्प करेगी, मसल्स को टोन अप करेगी, बॉडी वेट को बैलेंस करेगी, मतलब इतना अमेजिंग है। अगर फेशियल फैट है उसको रिमूव करेगी, हिप फैट है, थाई है, सेलुलाइट फॉर्म हो रहा है, हर चीज पे बहुत ही अमेजिंग वर्क है। अब बारी आती है 4 बजे की, 4 बजे की जो क्रेविंग है ना वो सबको होती है, मतलब हमें मन करता है कि हम जंक फूड खाएं कुछ भी। अगर आपका मन कुछ बाहर का खाने का तो बिल्कुल आप इतने से प्रपोर्शन में ले सकते हैं, इतने से प्रपोर्शन में, अदरवाइज अवॉइड करना है। स्प्राउट का बाउल ले सकते हैं, एक सैंडविच ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, थोड़ा सा सूजी का हलवा ले सकते हैं, मूंग दाल हलवा ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं, और अगर आप वर्किंग है तो आप ब्रेड टोस्ट ले सकते हैं। ये चीजें हेल्प करेंगे अलोंग विद योर नॉर्मल रूटीन, कॉफी और टी जो आपको पसंद है आप वो लीजिए। उसके बाद जो 6 बजे का टाइम आएगा, सब लोगों की 5 बजे ऑफिस से छुट्टी होती है, जो लोग ऑफिस गोइंग है, जो घर पे हैं वो फॉलो कर सकते हैं, क्या होता है कि रास्ते में जा रहे हैं हम नहीं ले सकते, तो आपको जो ये काम है ये आपको दोपहर को करके रखना है, कि कोई भी आप सिपर रख लीजिए, उसमें आपको क्या करना है, जो हरी वाली सौंफ होती है, छोटी सौंफ जिसको हम फैनल सीड्स भी बोलते हैं, आपको उसको क्या करना है कि आधा चम्मच जो है 1 कप पानी इतने से सिपर में लगभग 300 ml में सोक करके रख देना है, और उसके बाद उस पानी को आपको 6 बजे के करीब पीना है, छान कर या नॉर्मली आप निगल भी सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं, इसको लेना है। बहुत ही सिंपल डायूरेटिक इसकी प्रॉपर्टीज है, यूरिन आपको बार बार आएगा, सेम चीज जीरा और सिनेमन में है जो आप मॉर्निंग में ले रहे हैं, इतना अमेजिंग वर्क करेगी एंड डेफिनेटली यू विल लूज अप टू 10 kg। रिजल्ट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी,
मे बी मेरी में, अगर मानो मेरा 55 किलो भार है, मेरे को करना 45 है, मेरी बॉडी में उतनी क्षमता ही नहीं है कि वो 45 में पहुंच पाए, तो भाई नहीं हो सकता। लेकिन आपके बॉडी में जितना भी एक्सेसिव फैट है उसको डिजोल्व करने में बहुत अमेजिंग वर्क करेगा। अब बारी आती है डिनर की। डिनर जो है वो आपको दो शिफ्ट में लेना है, दो शिफ्ट में इन द सेंस कि ऑल्टरनेट डे, एक दिन आपको खिचड़ी लेनी है, एक दिन आपको चपाती सब्जी जो आप लेना चाहते हैं लेना है, लेकिन एक ही चपाती लेनी है। खिचड़ी सब्जी चपाती दाल जो आपको पसंद है, ऑल्टरनेट डे पे आपको शिफ्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, भूख नहीं लगी, सारे दिन खाना दिया है, डाइटिंग बिल्कुल नहीं हुई है, जो आपके घर में बना है वो दिया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस डाइट चार्ट में वो मैं अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी तक भी अगर आपने मेरे परिवार में आप लोग आ चुके हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है वो कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, हमारे चैनल पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आपको कैसी लग रही है, क्योंकि यार कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सो दैट मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग कितना देख रहे हैं, कितना प्यार दे रहे हैं और आपको किस चीज़ में कमी लग रही है। अब इस सारी रूटीन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वाटर इनटेक। पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी का इनटेक आपको करना है। आप बॉटल पास में रख लीजिए, धीरे धीरे करके आप सिप सिप करके पानी पीते रहिए, वो आपकी बॉडी को बहुत ही जल्दी डिटॉक्सिफाई करेगा, क्लीनिंग प्रोसेस देगा, मेटाबॉलिज्म को एनहांस करेगा और बॉडी से फैट को डिसॉल्व करेगा। अब आती है रात को सोने से पहले की बारी। उस टाइम पे आपको बहुत ही सिंपल चीज लेनी है, दैट इज अजवाइन। अजवाइन का आधा चम्मच लेना है और आधा चम्मच अलसी पाउडर। आप अलसी के बीज को पीस के रख लीजिए, दोनों का आधा आधा चम्मच आप मिक्स करिए और आप नॉर्मली उसे ले लीजिए। दोनों को एक साथ मिक्स करके नहीं रखना है क्योंकि अलसी के बीच में जो ऑयल है वो उसको मॉइस्चर को इंक्रीज कर देगा और अजवाइन में भी मॉइस्चर आ जाएगा। दोनों को अलग पीसिए, आधा आधा चम्मच गुनगुने पानी से लेना है और सो जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपकी स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कम से कम 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक की नींद जरूर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इसलिए बोला कि ये वर्कआउट भी इसमें जरूरी नहीं है, आप इस रूटीन को भी फॉलो करेंगे तो आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाएगी। और अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वो हमेशा से आपने कहावत सुनी होगी, सोने पे सुहागा, तो डेफिनेटली आपको डबल बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच उपासना की दुनिया को इतना प्यार देने के लिए। और आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है या आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई शराब सिगरेट तंबाकू गुटखा खैनी से ग्रसित है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वजन कम करने के लिए आप दवाई लेना चाहते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए ये डाइट तो है ही। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप शाइनिंग।